गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस लेक्चर में हम एनसिलरी सर्विसेज क्या होती हैं इन रेस्पेक्ट टू पावर सिस्टम, ये हम जानेंगे और उनके किस किस कहाँ का वो उनको क्लासिफाई किया गया है, उनके टाइप्स क्या हैं, वो इस शॉर्ट लेक्चर में हम उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। सबसे पहले एनसिलरी सर्विसेज जो हैं आर डिफाइंड एज दोस आल दोस एक्टिविटीज़ ऑन अ इंटरकनेक्टेड ग्रिड दैट आर नेसेसरी टू सपोर्ट द ट्रांसमिशन ऑफ पावर वाइल मेंटेनिंग रिलायबल ऑपरेशन एंड इंश्योरिंग द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी। इट बिकम्स क्लियर दैट द एनसिलरी सर्विसेज मेन इंक्लूड्स शेड्यूलिंग एंड डिस्पैच, फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन, वोल्टेज कंट्रोल, जनरेशन रिजर्व्स एक्सेट्रा। जो आपका पूरा पावर सिस्टम है उसमें मेनली जो आपके तीन मेजर ऑपरेशन होते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों ऑपरेशन को करने में जो जो सर्विसेज यूज़ होती हैं उनको हम जनरली एनसिलरी सर्विसेज कहते हैं। एनसिलरी सर्विसेज जो हैं उनकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, उनको अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग बॉडीज़ के द्वारा अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है, पर जनरली जो क्लासिफिकेशन है वो नॉर्थ अमेरिकन इलेक्ट्रिक रिलायबिलिटी काउंसिल और इलेक्ट्रिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसको उसके द्वारा क्लासिफाई किया गया है। लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन द इंटरकनेक्टेड ग्रिड कैन बी टर्म्स एज एनसिलरी सर्विसेज। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द एनसिलरी सर्विसेज सम प्रपोजल्स ट्राइड टू डिफाइन 60 डिफरेंट एनसिलरी सर्विसेज इन ऑर्डर टू रिमूव दिस लार्ज डिस्क्रिपेंसी। द नॉर्थ अमेरिकन इलेक्ट्रिक रिलायबिलिटी काउंसिल अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट एज आइडेंटिफाइड 12 फंक्शंस एज एनसिलरी सर्विसेज। तो इन दोनों बॉडीज ने जो 12 फंक्शंस हैं उनको स्पेसिफाई किया है कि यही एनसिलरी सर्विसेज में मेनली आती हैं। जो पहला है वो रेगुलेशन है, द यूज़ ऑफ जनरेशन और लोड टू मेंटेन मिनी टू मिनी जनरेशन लोड बैलेंस विद इन द कंट्रोल एरिया। एक कंट्रोल एरिया के अंदर जो जनरेशन और लोड का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए उसके लिए सर्विसेज यूज होती हैं। लोड फॉलोइंग, जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होता है उसके हिसाब से जो लोड जो होता है वो भी वेरी करता है, तो लोड और जनरेशन को भी प्रॉपरली फॉलो कराना है उसके लिए जो सर्विसेज यूज होती हैं उसको लोड फॉलोइंग सर्विसेज कहते हैं। एनर्जी इम्बैलेंस, हावर टू आवर जो है जो एनर्जी इम्बैलेंस के लिए इम्बैलेंस होता है उसको जो प्रॉपर मैच करने के लिए सर्विसेज यूज होती हैं वो एनर्जी इम्बैलेंस सर्विसेज की कैटेगरी में आती हैं। ऑपरेटिंग रिजर्व्स, एज ऑल ऑफ यू नो कि कुछ जनरेटिंग रिजर्व्स जो है वो रखा जाता है, उसको हम दो तीन कैटेगरी में बांटते हैं, एक स्पिनिंग रिजर्व और दूसरा सप्लीमेंट रिजर्व। स्पिनिंग रिजर्व में क्या होता है कि जो जनरेशन होता है उसके पास एक सप्लीमेंट पावर होती है और वो इमिडिएटली जो है उसको ग्रिड में कनेक्ट किया जा सकता है और जनरेशन लोड का जो इम्बैलेंस होता है वो इमिडिएटली मैच किया जा सकता है। लेकिन जो सप्लीमेंट ऑपरेटिंग रिजर्व होता है उसके अंदर कुछ समय लगता है और उसके लिए कुछ टाइम टेक करने के बाद ही उसको उस प्रॉपर जो जनरेशन सप्लीमेंट रिजर्व हमारे पास बचा है उसको हम उसमें इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो इट्स स्पिनिंग रिजर्व इज ऑलरेडी सिंक्रोनाइज टू द ग्रिड बट द ऑपरेटिंग रिजर्व सप्लीमेंट जो रिजर्व जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं होता ग्रिड में और वो इमीडिएटली जो है हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। बैकअप सप्लाई, कई सारी सप्लाई जो है वो बैकअप सप्लाई भी रखनी पड़ती हैं कई बार, तो बैकअप सप्लाई जो है वो भी एनसिलरी सर्विसेज में आती हैं। सिस्टम कंट्रोल, फॉर सिस्टम कंट्रोल के लिए जितनी भी सर्विसेज यूज़ होती हैं उसको भी हम कैटेगराइज करते हैं एनसिलरी सर्विसेज में। सिस्टम कंट्रोल इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल एरिया ऑपरेटर फंक्शंस दैट शेड्यूल जनरेशन एंड ट्रांजैक्शंस एंड कंट्रोल जनरेशन इन रियल टाइम टू मेंटेन जनरेशन लोड बैलेंस। डायनेमिक शेड्यूलिंग, रियल टाइम मीटरिंग और टेलीमीटरिंग और दूसरे भी जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उसके लिए जितने भी सर्विसेज यूज़ होती हैं उसको डायनेमिक शेड्यूलिंग एनसिलरी सर्विसेज के में कैटेगराइज किया गया है। रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज कंट्रोल सपोर्ट, वोल्टेज कंट्रोल के लिए और रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट के लिए जो सर्विसेज यूज होती हैं वो भी एनसिलरी सर्विसेज में यूज़ की गई है। रियल टाइम ट्रांसमिशन लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो सर्विसेज यूज़ होती हैं उनको भी एनसिलरी सर्विसेज में कैटेगराइज किया गया है। नेटवर्क स्टेबिलिटी सर्विसेज फ्रॉम जनरेटिंग
जनरेशन सोर्सेज, जनरेशन सोर्सेज के साइड से जो नेटवर्क स्टेबिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, यानी कि पावर सिस्टम को स्टेबल करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो भी एंसिलरी सर्विसेज में आती है। एंड फाइनली जो सिस्टम ब्लैक स्टार्ट कैपेबिलिटी, क्योंकि जो आपका सिस्टम जो है पूरा मान लीजिए कि ब्लैकआउट हो गया और पूरे सिस्टम को वापस से स्टार्ट करना है, उसके लिए जो सर्विसेज यूज होंगी उसको भी आप एंसिलरी सर्विसेज में कैटेगराइज करते हैं। तो ये जनरली ये सारी 12 जो हैं ये कैटेगराइज की गई हैं, पर ये कोई फिक्स नहीं है कि यही हैं, इसके अलावा कई बार सिस्टम टू सिस्टम या फिर कंट्री टू कंट्री इन डेफिनेशंस को वेरी किया जा सकता है। फिर क्लासिफिकेशन, कई तरीके से क्लासिफाई की जाती है, लेकिन मेनली एंसिलरी सर्विसेज जो हैं वो तीन टाइप से क्लासिफाई किए जाते हैं। सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर रूटीन ऑपरेशन, कि डे टू डे और रूटीन ऑपरेशन के लिए जो सर्विसेज यूज़ हो रही हैं उनके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। सिस्टम कंट्रोल के लिए, रिएक्टिव पावर सपोर्ट के लिए, रेगुलेशन के लिए, लोड फॉलोइंग के लिए, एनर्जी इंबैलेंस के लिए और रिएक्टिव पावर लॉस डिस्प्लेसमेंट के लिए। फिर दूसरी टाइप क्लासिफिकेशन जो सर्विसेज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट आउटेज फ्रॉम बिकमिंग ए कैटास्ट्रोफ, ये जो है सर्विस एक बार कोई सिस्टम के अंदर आउटेज हो गया या मेजर इवेंट फेलियर हो गया उसको वापस रिस्टोर करने के लिए जो सर्विसेज यूज़ की जाती हैं उसका क्लासिफिकेशन है। ये कौन कौन सी सर्विसेज सेकेंड नंबर पॉइंट के अंतर्गत आती हैं, स्पिनिंग रिजर्व आती हैं, सप्लीमेंट रिजर्व आती हैं और नेटवर्क स्टेबिलिटी सर्विसेज जो हैं वो इस सेकेंड क्लासिफिकेशन में आती हैं। और तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो सर्विसेज नीडेड टू रिस्टोर ए सिस्टम आफ्टर ब्लैकआउट, पूरा सिस्टम ब्लैकआउट होने के बाद जो हमें सर्विसेज लगती हैं वो सर्विसेज को हम तीसरी क्लासिफिकेशन में हमने क्लासिफाई कर रखा है। और ये सर्विसेज जो हैं वो बहुत रेयरली यूज होती हैं, पूरा सिस्टम ब्लैकआउट जो है वो बहुत रेयरली होता है, लेकिन ये सबसे हार्ड होती है। अगर पूरा सिस्टम ब्लैकआउट हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि हमें वापस सिस्टम को रिस्टार्ट करें इससे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ही कम जो है वो रेयरली यूज़ होती है, बहुत ही कम यूज़ होती है। तो जो एंसिलरी सर्विसेज है वो आइदर या तो जनरेशन लोड बैलेंसिंग इश्यूज से रिलेटेड है या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड है। तो ये लेक्चर के अंदर हमने स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया था एंसिलरी सर्विस क्या होती है और उसका हल्का सा क्लासिफिकेशन। होपफुली दिस स्मॉल इंट्रोडक्शन विल बी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग अबाउट पावर सिस्टम टू। एंड थैंक यू वेरी मच।